Classroom control. Classroom control is a very important element of classroom management. Without classroom control, there can be no classroom management. आइए देखते हैं कि क्लासरूम कंट्रोल में टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं. Who is the biggest source to have classroom control? Teacher is the biggest source to have classroom control. टीचर के जरिए क्लासरूम कंट्रोल आता है और उसके बाद स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं. तो टीचर्स आर द बिगेस्ट सोर्सेस टू मेंटेन क्लासरूम कंट्रोल. इसके अलावा टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं? जब क्लासरूम कंट्रोल की बात आती है तो टीचर्स को क्लास में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर इज अथॉरिटेटिव इन द क्लासरूम. स्टूडेंट्स मस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. टीचर मस्ट बी इन फुल कंट्रोल. That is what you call being authoritative in the classroom. Students को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने उस्ताद की बात माननी है. उस्ताद को भी ये पता होना चाहिए कि उसने अपने student से बात कैसे मनवानी है. So being authoritative in the classroom is the foremost responsibility of a teacher. इसके अलावा teacher के लिए ये बहुत जरूरी है that he or she is in command. उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसने अपने लेसन प्लान को लेकर कैसे चलना है और उसके लेसन प्लान के कितने हिस्से हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स को दौरान लेसन प्लान के कैसे बिहेव करना है, एक्टिविटीज को हम कैसे करना है. तो इसके लिए फुल कमांड का होना बहुत जरूरी है. अपने सब्जेक्ट पर अबूर होना, पेडागॉजी के ऊपर अबूर होना, मैनेजमेंट के ऊपर अबूर होना, ये सब चीजें मिलकर टीचर को इन कमांड करती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं. सो क्लासरूम कंट्रोल जो है वो टीचर का बहुत जरूरी है कि इन कमांड हो सो दैट क्लासरूम कंट्रोल इज पॉसिबल. इसके अलावा टीचर का ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लासरूम. अगेन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कहाँ कहाँ पर वाजे होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं थ्रू द लेसन प्लान जो है वो वाजे होती हैं. दैट टीचर अगेन इफ शी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड तो उसके साथ लेसन प्लान जो है वो बहुत बेहतर तरीके के साथ अनरोल होगा. स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे. इसलिए बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो क्लासरूम में लेसन पढ़ाने से पहले फुली प्रिपेयर्ड आए. उसको पता हो कि स्टेप्स क्या हैं और किस स्टेप के ऊपर स्टूडेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेसन डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. अब हमने यहां पर देखा कि असातसा की क्या जिम्मेदारी है, असातसा बेहतर तरीके के साथ क्लासरूम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसके लिए उनके लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं. आइए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं क्लासरूम में बेहतर तरीके से बैठने पे और उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं जहां पर क्लासरूम कंट्रोल की बात आती है. सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं दे नीड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर हम बात को लिंक करते हैं हिडन करिकुलम से. हिडन करिकुलम जो है वो स्टूडेंट को ये सिखाता है कि उसने बिहेव कैसे करना है, उसने जो है वो कौन से रूल्स जो हैं वो बगैर बताए फॉलो करने हैं. ये सब बातें बच्चा जो है वो हिडन करिकुलम के तहत सीखता है और वो उसको ये सिखाता है कि क्लासरूम में जो है वो किस तरह बिहेव करना है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स थ्रू फॉलोइंग द हिडन करिकुलम. दैट इज मैनिफेस्टेड थ्रू द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द स्कूल. इसके अलावा स्टूडेंट्स दे नीड टू फॉलो रूल्स विच आर म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. Once they are mutually constructed by the students and teachers, then they need to be followed by both of them. Teacher ke liye bhi zaruri hai ki wo rules ko follow kare, students ke liye bhi zaruri hai ki wo rules ko follow kare, so that an effective classroom control is possible. Students, they need to respect their teachers. That again comes through the hidden curriculum. Without respecting the teacher in the classroom, there can be no classroom control. So it is very important for students to respect their teachers. Iske ilawa ye bahut zaruri hai that students they need to take care of their peers. Apne jo sathi
है उनके क्लासरूम में बैठे हुए, उनको उनको लुक आफ्टर करना, उनकी नीड्स को देखना और उनके साथ अच्छी तरह उनके साथ अच्छा सलूक करना, ये सब जो है वो कहलाता है टेकिंग केयर ऑफ पीयर्स। अगेन इसमें सोशल इमोशनल लर्निंग का जो एस्पेक्ट है वो नुमाया है। और स्टूडेंट्स जो हैं अगेन थ्रू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिडन करिकुलम दे नीड टू नो दीज बिहेवियर्स। सो इफेक्टिव क्लासरूम कंट्रोल के लिए ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो चंद इम्पॉर्टेंट कवानीन को फॉलो करें सो दैट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कैन गो ऑन इन द क्लासरूम।